बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों का आज इन पेज का जो है वो फोर्थ लेक्चर है, और फोर्थ लेक्चर जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हम लोगों ने एडिट मेन्यू के अंदर जो है डिफरेंट ऑप्शंस को कैसे यूज करना है। आपने सबसे पहले एडिट मेन्यू पे क्लिक कर लेना है, और एडिट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है अंडू द लास्ट सेक्शन। अब यहाँ पे आपके पास ये चीज ओपन नहीं है, हाईलाइटेड नहीं है, तो आप सिंपल जो है वो हम लोग यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स कर लेते हैं या कंट्रोल सी कर लेते हैं कॉपी करने के लिए। उसके बाद आप लोगों ने जो है यहाँ पे बेशक कोई भी आप यहाँ पे पिक्चर बॉक्स ले लें, ठीक है, और पिक्चर बॉक्स को जो है वो आप यहाँ पे कोई मूव करना चाहते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे ये पिक्चर बॉक्स ले लिया है, तो अब यहाँ पे ये जो लास्ट एक्शन हम लोगों ने किया था, अगर आप लोग इसको कहीं पे भी सिलेक्टेड टूल के साथ जो है वो क्लिक कर देते हैं, कहीं और मूव कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग जाके देखते हैं एडिट मेन्यू में। एडिट में जाके हम लोग यहाँ पे ये जस्ट इस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, तो अब ये देखते हैं कि जो लास्ट एक्शन हमने परफॉर्म किया हुआ था वो जिस तरह आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अंडू के ऑप्शन यूज करते हैं, सिंपल हमारे पास जो है वो यहाँ पे भी कंट्रोल जेड यूज होता है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल जेड जो है वो मेनी टाइम्स हम लोग नहीं कर सकते, सिंपल एक टाइम पे ही आप लोगों ने करना है। इसके अलावा नेक्स्ट में हमारे पास ऑप्शन आता है कट का। कट आप लोगों ने सिंपल आईबीएम टूल में जाना है, यहाँ से अगर आप इतना डाटा सेलेक्ट करते हैं और एडिट में जाते हैं और यहाँ पे इसे कट करना चाहते हैं, या अपने कंप्यूटर से आप लोग कंट्रोल प्लस एक्स को यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम इसे कट कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसको कट कर दिया है। अगर मैं एडिट मेन्यू में जाती हूँ और एडिट मेन्यू में जाके यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करती हूँ, तो आगे देखें जो मैंने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया था उसको उसने अंडू कर दिया है, और कट के ऑप्शन भी हमने यूज कर ली है। अगर आप इसी चीज को कॉपी करना चाहते हैं, तो आप सिंपल कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं, और जहां पे भी आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं, आप ये देखें हम उसको पेस्ट कर चुके हैं। एडिट मेन्यू में जाके हम वापस अपनी पहली कंडीशन में ही चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है पेज स्पेशल का। आपके पास पेज स्पेशल है कि आप इसको इन पेज फॉर्मेट में करना चाहते हैं या टेक्स्ट में करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो है ये आप लोग देख सकते हैं जिस तरह मैंने ये डाटा लिखा हुआ है। अब मैं इसको इन पेज फॉर्मेट जो है सिलेक्ट करती हूँ और ओके कर देती हूँ। अब यहाँ पे ये देखेंगे जो मेरे पास पेस्ट हुआ है डाटा वो इन पेज के फॉर्मेट में ही हुआ है। अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करती हूँ और पेज स्पेशल में चली जाती हूँ और टेक्स्ट के फॉर्म में सिलेक्ट कर लेती हूँ और ओके करती हूँ, तो आप ये देखें कि यहाँ पे मेरे पास जो है उसका चेंज डाटा जो है उसकी स्टाइल वगैरह जो है हमारे पास चेंज हो जाता है। तो मैं कंट्रोल जेड करती हूँ और वापस अपनी पहली कंडीशन में आ जाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है डुप्लीकेट का। डुप्लीकेट करने के लिए हम यहाँ पे जो है वो फर्दर एक और इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है फर्दर दो पेजेस ले लेते हैं। अब इस टाइम जो है मैं पेज नंबर 2 पे मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास इस तरह का ये टूल आ रहा है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको क्लिक करती हूँ अपने डुप्लीकेट पे। यहाँ पे मैं जैसे ही डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करूंगी, तो वहां पे मेरे से पूछेगा कि आपको कितनी नंबर ऑफ रोज के अंदर ये चाहिए, मीन्स की ये वाली जो शेप आपने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये जो ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉ किया है, यहाँ पे ये आपको कितनी लाइंस में चाहिए, कितनी रोज में चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इसको जस्ट 2 रोज कर देती हूँ और एक कॉलम कर देती हूँ और यहाँ से ओके करती हूँ, तो आप ये देखें यहाँ पे मेरे पास जो है ये 2 रोज बन चुकी हैं और एक कॉलम बन चुका है। मैं अगेन जाती हूँ एडिट मेन्यू पे, और एडिट मेन्यू में जाकर डुप्लीकेट के ऑप्शन पे जाती हूँ, और यहाँ से स्टूडेंट मैं इसको अगर 4 कर देती हूँ, 4 कॉलम कर देती हूँ और 4 रोज कर देती हूँ, और यहाँ से जो है मैं इसको सिंपल ओके कर देती हूँ, तो आप लोग यहाँ से ये देख सकते हैं कि मैं जो हूँ इस टाइम जो है वो मेरे पास डेटा जो है वो इस तरह से सिलेक्ट हो चुका है। आप लोग थ्रू एरो कीज जो है इस डेटा को मूव भी कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं इस डेटा को इसी तरह से मूव कर रही हूँ। अब इसी तरह से ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है यहाँ पे हम लोग इसको सिंपली सिलेक्ट करके इसका फॉर्म साइज जो है वो छोटा, सॉरी शेप का साइज जो है वो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल जेड किया है और वापस अपनी पोजिशन पे आ गई हूँ। एडिट मेन्यू में जाती हूँ, डुप्लीकेट में जाती हूँ, और यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ पे 2 कॉलम कर देती हूँ और 2 रोज कर देती हूँ आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए। तो कंट्रोल ए करके हम सारा डाटा बेस डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग अगेन ये शेप ले लेते हैं, डुप्लीकेट में जाते हैं, और डुप्लीकेट में जाके वहां पे भी 2 कॉलम और 2 रोज कर देते हैं। तो आप ये देखें हमारे पास इस तरह से ये मौजूद है। अब नेक्स्ट में आप लोग इसके साथ जो है वो क्या काम कर सकते हैं, आप डुप्लीकेट में जाएं, और डुप्लीकेट के अंदर हमारे पास ऑप्शन आ रही है स्पेसिंग की, कि रोज के दरमियान में आपने कोई स्पेस देनी है, तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे 5 कर देते हैं, और कॉलम के दरमियान में भी हम लोग अगर देना चाहें तो यहाँ पे मैं 7 कर देती हूँ, और उसके बाद आपने सिंपल ओके कर देना है। आप ये देखें कि नया जो इंसर्ट हुआ है, क्योंकि ऊपर वाली ऑप्शन हम लोगों ने सिलेक्ट की हुई थी, तो इनके दरमियान में गैप आ चुका है। आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये रोज के दरमियान में जो है वो गैप आ चुका है। मैं एडिट मेन्यू पर वापस जाती हूँ, डुप्लीकेट में जाती हूँ, और यहाँ से जो है मैं इनके दरमियान में स्पेस ज्यादा कर देती हूँ ताकि आपको मजीद और अच्छे से वाजे हो सके। तो मैं यहाँ पे 10 कर देती हूँ, और यहाँ पे भी जो है वो मैं 10 कर देती हूँ। आप ये देखिएगा जैसे मैं ओके करूंगी, तो यहाँ पे ओके करने के बाद जो है वो हमारे पास इनके अंदर स्पेस जो है वो बढ़ जाती है।
ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग जो है वो एक शेप ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया है। अब मैं एडिट मेन्यू पे जाती हूँ और एडिट मेन्यू पे जाके मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। मुझे 2 रोज में चाहिए, बेशक 3 रोज कर लें ठीक है, और 2 कॉलम्स कर लें। तो यहाँ पे मैं करने के बाद यहाँ पे जो है सिंपल यहाँ पे 7 का ऑप्शन दे देती हूँ, ताकि थोड़ा सा हमें डिफरेंस जो है वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। मैं यहाँ पे भी 7 क्लिक कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हैं इनके दरमियान कॉलम के फॉर्म में भी डिस्टेंस आ रहा है, और हमारे पास जो है वो रो के फॉर्म में भी डिस्टेंस आ रहा है। तो ये थी हमारे पास जो है वो ऑप्शन कि हम लोग किस तरह से जो है आगे इसमें डुप्लीकेट के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रही है क्लियर की, और क्लियर आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सिंपल आप लोगों के पास जो भी डाटा आ रहा है इसको आप कंट्रोल ए करें और डिलीट के ऑप्शन प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड से, तो डाटा क्लियर हो जाएगा। अगर आप वहां से नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से क्लियर के ऑप्शन भी कर सकते हैं और क्लियर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ और अपना लास्ट सेक्शन दोबारा परफॉर्म कर देती हूँ। और यहाँ पे जो है हमारे पास एडिट के अंदर ऑप्शन आ रही है सिलेक्ट ऑल की, सिलेक्ट ऑल करूंगी, कंट्रोल ए प्रेस करूंगी तो एक ही काम होगा, जितना डाटा आपने लिखा होगा सिलेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि हमारे पास क्लास के अंदर जितनी भी ऑप्शन आ रही है वो बहुत ज्यादा है। प्रेफरेंसेस के अंदर हमारे पास ढेर सारी ऑप्शन है जिनको इंशाल्लाह वन बाय वन हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे ये, क्योंकि ये चीजें बहुत आसान है और आप लोग अदर एप्लीकेशन में भी इनको बहुत अच्छे से रीड आउट कर चुके होते हैं, तो इसलिए हम इसको जो है वो जल्दी माइंड अप करने की कोशिश करेंगे। फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे हम लोग कोई भी एक डाटा लिख लेते हैं, बल्कि हम लोगों ने यहाँ पे जो डाटा लिखा हुआ है उसी में चलते हैं। ये हमारे पास एक डाटा है, हम आईबीएम टूल में चले जाते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं और फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन पे सेलेक्ट करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि हम लोग दोबारा इसको क्लिक करते हैं लेकिन ये हमारे पास शो नहीं होती। तो हम लोग सिंपल क्या काम करेंगे, हम लोग सिंपल ये काम करेंगे कि हम लोग जो है वो जो भी हमारी इन पेज पे ऑप्शन आ रही है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। तो मैं आपके साथ जो है वो अपनी बार शेयर कर देती हूँ।
आप
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। स्टूडेंट अगर आप लोग आईबीएम टूल के अंदर आ रहे हैं या आप लोग सिलेक्टर टूल के अंदर आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको कलर जो है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा। आप एडिट मेन्यू पे अगेन क्लिक करें और प्रेफरेंसेस पे जाएं, एप्लीकेशन पे जाएं, आपके पास यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। अगर आपने यहाँ पे यूजर की जो ऑप्शन है उसको यूज करना है या आपने अगर कॉलम का जो है ऑप्शन अगर आपने उसको यूज करना है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूजर के ऊपर क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन सा कलर आ रहा है। यहाँ से हम लोग को ये कलर लेते हैं और ओके करते हैं और सेम कलर हो गया ऑलमोस्ट। हम लोग यहाँ से ब्लू कलर ले लेते हैं और ओके करते हैं। यहाँ से भी ओके करते हैं और ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास लॉक ग्रिड लाइन्स आ रही थी आपके पास ये ब्लू कलर की हो गई है। यहाँ से अगर हम कोई और ग्रिड लाइन भी लेते हैं तो ये आपको ब्लू कलर जो है प्रोमिनेंट नजर आएगा। आप लोगों ने कोई टेबल बनाया हुआ है और टेबल के अंदर भी अगर आप लोग कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल जो है वो आप लोग वहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। एडिट मेन्यू पे अगेन जाएं और प्रेफरेंसेस और एप्लीकेशंस पे जाएं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलम का कलर भी चेंज हो रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास एक ऑप्शन थी यहाँ पे पिक्चर की, उस पिक्चर के ऑप्शन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम सबसे पहले जो है यहाँ पे एक काम करते हैं, एक पिक्चर लेते हैं और पिक्चर को हम यहाँ पे इस तरह से ड्रैग और ड्रॉप कर देते हैं। हम अपने इस कॉलम ग्रिड लाइंस को वापस अपनी जगह पर छोड़ देते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया इंपोर्ट पिक्चर करते हैं, एक पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं और ओपन कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास पिक्चर ओपन हो जाती है लेकिन हम लोग यहाँ पे एडिट मेन्यू पे जाते हैं और प्रेफरेंसेस में जाके एप्लीकेशन पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग पिक्चर के ऊपर टिक लगा देते हैं और ओके कर देते हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे बल्कि हमारी पिक्चर नहीं आएगी बल्कि पिक्चर का जो डाटा होगा वो यहाँ पे शो होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने
इस पिक्चर के अंदर पिक्चर ही को ही पिक्चर बॉक्स के अंदर पिक्चर को ही शो करना है, तो फिर आप लोगों को यहाँ पे इस चेक को खत्म कर देना होगा। इसके अलावा स्टूडेंट आप लोगों के पास जो है ये ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शन भी आ रही है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखें हमारे पास वापस ऑप्शन आ चुकी है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं IBM टूल में, क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास डाटा आ रहा है, हम इसको उठाते हैं और उठाने के बाद यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। हम इसको वापस उठाते हैं और उठा के आप देख सकते हैं कि मेरे कर्सर के साथ पोजीशन बनी हुई है, मैं यहाँ पे वापस इसको रख देती हूँ। तो स्टूडेंट ये वाली ऑप्शन जो है वो कैसे काम करती है, आपने अगेन यहीं पे जाना है, अभी हम एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, ड्रैग ड्रॉप टेक्स्ट, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रही है ड्रैग ड्रॉप टेक्स्ट की, और ये ऑप्शन जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई है वो इसी की रीजन है। इसके अलावा अगर आप लोग 10 मिनट्स लगाते हैं, 10 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली आपके फाइल के अंदर डाटा जो है वो आपका सेव होना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट ये थी हमारे पास जो है वो पिक्चर एप्लीकेशन से रिलेटेड, एप्लीकेशन प्रेफरेंसेस से रिलेटेड हमारे पास डाटा, और हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि हमारे पास किस तरह काम करती है। आप एडिट मेन्यू में जाते हैं, प्रेफरेंसेस में जाते हैं और वहाँ पे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में चले जाते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में चले जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मेजरमेंट यूनिट आ रहे होते हैं मिलीमीटर्स में, लेकिन हमारे पास इस तरह से मिलीमीटर्स के अंदर इन चीज़ों को मेजर करना ज्यादा मुश्किल है, तो हम इसलिए यहाँ पे हम इसको इंचेस में यूज कर लेते हैं। यहाँ पे करेक्टर्स की भी ऑप्शन आ रही है, हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी एक डाटा जो है वो ड्रैग करना होता है, तो पहले हम लोगों के पास यहाँ पे जो डाटा है उसको हम डिलीट कर लेते हैं। ये डाटा मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है, आप ये देखेंगे यहाँ पे मैंने अगर कोई भी टाइटल बॉक्स लेना है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है, तो इसके अंदर जो भी डाटा हमारे पास आएगा वो इंचेस में तो कवर किया जा सकता है, लेकिन उसको मिलीमीटर में कवर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम जो है वो इस ऑप्शन को यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट हमारे पास, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं प्रेफरेंसेस पे और एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप ये देखें कि हमारे पास सॉरी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो एडिट में जाते हैं, प्रेफरेंसेस पे जाते हैं और डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि इंचेस के ऑप्शन को आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके करेक्टर्स की आ रही है, तो करेक्टर्स को पॉइंट्स के फॉर्म में ही रहने दीजिएगा, वो ज्यादा बेस्ट है, और इसी में ही हम इसको कवर करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास गाइड्स की आ रही है, स्टैम्प डिस्टेंस क्या चीज होती है, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों ने कोई भी एक गाइडलाइन जो है यहाँ पे स्नैच कर ली है, ड्रैग करके ड्रॉप कर दी है। अब आप लोग यहाँ पे जो भी आपने अपना बॉक्स लगा हुआ है उस बॉक्स को आप लोगों ने अपनी गाइडलाइन पर के पास लेके जाना होता है, तो ये जो फास्ट लाइन के दरमियान मुंतकिल किया जाता है उस ऑप्शन को हम लोग जो है वो भी यूज कर रहे हैं। ये जो ऑप्शन मैंने अभी आपको बताई थी स्नैप गाइडलाइंस वाली, वो इस ऑप्शन का ये मतलब होता है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी आप लोगों का टेक्स्ट बॉक्स है, इसको आपने गाइडलाइन से जो लेकर जाना है, ये किस तरह इसका फासला इन दोनों के दरमियान में मुतय्यन करना है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास प्रेफरेंसेस के अंदर जो है डॉक्यूमेंट में, नेक्स्ट ऑप्शन स्टूडेंट हमारे पास आ रही है फोन की, फोन आपके पास है बिहाइंड है और फ्रंट है, आप लोग जो है पोजीशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप आपके पास बिहाइंड के ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये बिहाइंड भी हो जाएगा, और फ्रंट पे जाना है तो फ्रंट पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास है जी डॉक्यूमेंट के अंदर, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टूडेंट पेज नंबर की है, आपने पेज नंबर जो है स्टार्ट करना है, ये बाय डिफॉल्ट जरूरी नहीं है कि आपने 1 2 3 4 से ही स्टार्ट करना है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करके यहाँ पे 4 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैंने आपको लास्ट जो अपना लेक्चर है उसके अंदर बताया था कि हमें किस तरह से जो है पेज नंबर मेंशन करने होते हैं, आप 4 से स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट ये भी जरूरी नहीं है कि आप लोग इसी तरह 1 2 3 के फॉर्म में ही करें, जिस तरह आप लोगों के पास 2500 वर्ड के अंदर 150 ऑप्शन होती है कि आप अपने पेज के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, आप हेडर में अपना पेज नंबर वगैरह लगाते हैं, तो यहाँ से भी आप इनके जो कलर्स हैं सॉरी यहाँ पे इनके जो स्टाइल्स वगैरह हैं आप वो भी इसको चूज कर सकते हैं, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास आ रही है वो आपके पास जो है वो पेज बॉट साइट की आ रही है, इसको हम देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं, इसको ओके कर देते हैं। इसको जैसे ही हम ओके करेंगे स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, और टेक्स्ट बॉक्स को मैं सिलेक्ट करती हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है मैं इसको मूव करना चाहती हूँ, तो आप ये देखिए कि मेरे पास ये किस तरह से मूव कर रहा है। अब मैं इसके ऑप्शन को सबसे पहले जो है वो मैं कम कर देती हूँ, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारे पास 15 आ रहा है, मैं इसे ओके कर देती हूँ। अब आप ये देखें कि जब मैं इसको बाहर लेके जाती हूँ तो ये मेरे पास जो है तो यहाँ तक ही मूव कर सकता है, ये जो बॉर्डर आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं ये इतना ही मूव करेगा, इससे ज्यादा मूव नहीं करेगा। आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि इसे बाहर नहीं जा रहा, ये नहीं जा पा रहा, तो हम लोग अगर इसको जो है वो ज्यादा मूव करवाना चाहते हैं तो आप सिंपली एडिट मेन्यू पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स पे वापस आ जाएं, और यहाँ पे जो है वो मैंने पहले 50 किया हुआ था, तो मैं अगेन इसको 50 कर देती हूँ, और 50 करने के बाद मैं इसे ओके करती हूँ, तो अब मैं इसको मूव करती हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये मूव करेगा। आप ये देख सकते हैं कि पहले हमारे पास इस बॉर्डर से बाहर नहीं जा रहा था, लेकिन अब ये जो है वो 50% जो है वो इस तरह से टोटली मूव कर रहा है। तो यहाँ पे इसी तरह से आप इन ऑप्शन को यूज करने के लिए इसको बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो साइज आ रहा है आप उसे खुद ही रहने दें, लेकिन अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप इसको यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप लोग इसको जो है अप एंड डाउन भी मूव करना चाहते हैं, आप ये देखें कि हम लोग अपना ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको सेट करते हैं,
और इसको मूव करना चाहते हैं तो आप कहाँ तक इसको मूव कर सकते हैं, किस तरह से मूव कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे डाउन के ऑप्शन में भी क्लिक करके काम कर सकते हैं। आप डाउन के अंदर जो है वहां पे भी अपना परसेंटेज चेंज कर दें, इंच चेंज कर दें, तो आप इसको बाहर से भी मूव कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों आप लोगों के पास जो है वो रूलर की ऑप्शन आ रही है, अगर आपके पास रूलर विजिबल है यहाँ पे तो ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे रूलर शो ना हो रहा हो और आपको उसकी जरूरत हो तो उसको विजिबल करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि अभी मैं इसको अनविजिबल कर रही हूँ, यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर दें, आप ये देखें आपके पास जो है वो दोनों साइड से रूलर जो है वो खत्म हो चुका है, ना आपको वर्टिकल फॉर्म में नजर आ रहा है और ना ही आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। हम डॉक्यूमेंट पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो रूलर शो हो रहा है। फ्रेंड अगर आप लोग यहाँ पे अपनी ओरिजिन की सेटिंग करना चाहते हैं तो ये ओरिजिन आ रही है आप लोगों के पास यहाँ पे, अगर आपके पास जो भी सेटिंग आ रही है आप उसके मुताबिक अपनी करना चाहते हैं, जो भी आपके डिफॉल्ट डिफॉल्ट है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे फिर वो 0-0 कर देते हैं और 0-0 करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यू जो है वो आपके पास 100% है, तो यहाँ पे भी मेरे पास 100% ही व्यू आ रहा है, तो आप लोग यहाँ से अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इतनी सारी सेटिंग्स की है और आप ये चाहते हैं कि आपके पास जो है ये सारी सेटिंग्स फर्दर भी इसी तरह से ही यूज होती रहे, आपको बार बार इसको ना करना पड़े, तो आप सिंपल इसको सेव एज डिफॉल्ट कर सकते हैं। अगर आपको सेव एज डिफॉल्ट नहीं करना तो सिंपली आप इसे ओके करें, ओके करने के बाद जो है वो लेकिन मुझे क्योंकि इसको सेव नहीं करना तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास एडिट मेन्यू के अंदर प्रेफरेंसेस है, और प्रेफरेंसेस के अंदर जो है वो आपको पास टाइपोग्राफी आ रही है, तो टाइपोग्राफी के अंदर जो है भी हम नूरी नस्तालीक जो है वो वही फोन यूज कर रहे होते हैं, ये इसके पास स्पेस के ऑप्शन आ रही है, आपके पास जो है वो सबसिक्वेंट से स्पेस के ऑप्शन आ रही है, आप इनको भी यहाँ से यूज कर सकते हैं, आपके पास बॉक्स स्टाइल आ रही है, आप यहाँ पे इनको भी फर्दर यूज कर सकते हैं। अगर आप इनको ऐसे ही रहने दें तो ये ज्यादा बेहतर है, अगर आपको समझते हैं कि हमें इसको फिर भी चेंज करना है तो आप इनको चेंज करके इनको अप्लाई करके फर्दर फर्दर जो है ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन भी आ रही है कि आउटर स्पेस कितनी होनी चाहिए, और रेडियस अगर आपने लेते हैं फोन साइज करना है तो आप इनके मुताबिक भी ये सारे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट हमारे पास प्रेफरेंसेस के अंदर जो है स्टोरी एडिटर है, आपको स्टोरी टाइप करना चाहते हैं, आप स्टोरी को टाइप करने से पहले जो है उसका फोन साइज को ये बताना चाहते हैं कितना फोन साइज होना चाहिए कम से कम, यहाँ पे आप जो है फोन साइज बता दें, आप जो है वो प्रिंट फोन साइज भी बता दें, प्रिंट फोन साइज भी बता दें और देन आप इसे ओके कर दें। जब आप इसे ओके करेंगे तो आप लोग जो है स्टोरी एडिटर में आप यहाँ पे जा सकते हैं और ये देख सकते हैं ये इन्वायरमेंट आपके पास आ गया है। आप स्टोरी एडिटर के अंदर जो है आपके पास एक फायदा ये होता है कि आप अगर इन एक ही वर्ड के अंदर, यानी कि आप लोगों के पास जो है कोई भी एक वर्ड है, आप लोग उस वर्ड के अंदर भी अगर यहाँ पे क्लिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और मैं अगेन जो है इसको खत्म कर देती हूँ, वापस आती हूँ, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो मैं काफ और ये जो है इसके सेंटर में क्लिक करना चाहती हूँ लेकिन क्लिक नहीं होगा, लेकिन स्टोरी एडिटर के अंदर जो है मैं अगेन आपको यहाँ पे बताती हूँ, आप किसी भी वर्ड के अंदर इंटरनली किसी भी करेक्टर के अंदर जो है वो क्लिक करना चाहते हैं तो आप सिंपली कर सकते हैं। तो स्टोरी एडिटर का ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास आ रहा है प्रेफरेंसेस और कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। स्टूडेंट यहाँ पे मैं अपने पहले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से जो है वो आप अपने स्टाइल को चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ से खुद से मैनुअल डिफाइन करना हो, कोई यूजर खुद से डिफाइन करना हो कीबोर्ड का, तो सिंपली आप यहाँ से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करें। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ढेर सारी ऑप्शन आ रही होंगी, यहाँ पे आप जिस भी फोनेटिक में, अगर यानी कि मैं फोनेटिक यूज करना चाहती हूँ लेकिन मैं इसको अपने मुताबिक बनाना चाहती हूँ कीबोर्ड को, आप यहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पे ए प्रेस करूँ तो यहाँ पे पे जो है वो प्रेस हो जाना चाहिए, तो आप सिंपली जो है वो क्या कर सकते हैं यहाँ से अपना कोई भी करेक्टर उठाएं और करेक्टर को उठाने के बाद आपने सिंपली जहाँ पे भी रखना है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, अब आप लोगों के पास जो है वो एक ही जगह पे आ जाएगा। अगर आप लोगों ने इसको सेव करना है आप इसे सेव भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लोगों ने जो है अलीफ मद्दा की बजाय पे कर दिया है लेकिन आप अलीफ मद्दा ही उसको रहने देना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे सेव ना करें और इन चेंजेस को चेंज ना करें। लेकिन अगर आप लोग अपनी मर्जी से कोई कीबोर्ड बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली जो है जहाँ पे जो भी करेक्टर रखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरे पास दाल है, इस दाल को जो है वो मीम की जगह पे रखना चाहती हूँ, तो आप यहाँ पे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो अब आपके पास एम जो है प्रेस करने से मीम नहीं लिखा जाएगा बल्कि आपके पास दाल लिखा जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास और भी ढेर सारी ऑप्शन है, आप इनमें से किसी भी और कीबोर्ड को यूज करना चाहते हैं, उनको यूज करते हुए अपने मुताबिक उसको टाइप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है वो अपने मुताबिक उसको ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है और सेव करने के बाद आपने इसे क्लोज कर देना है, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे ये ऑप्शन को यूज नहीं करना, मैं बाय डिफॉल्ट उसी ऑप्शन को यूज करना चाहती हूँ जो मैंने काम किया है। तो स्टूडेंट आप लोगों के पास जो था वो आज का एडिट मेन्यू जो है लेक्चर लेंथी जरूर हो गया था लेकिन इसको कम्प्लीट हम लोगों ने कर दिया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसके अलावा जो है आप एक अच्छी सी स्टोरी लिखें और स्टोरी के अंदर आप अच्छे से पिक्चर्स वगैरह भी लगाएं, आपके पास जितनी भी प्रेफरेंसेस के अंदर जितनी ऑप्शंस आपको बताई
पड़ेगी ही है। इन तमाम ऑप्शंस को भी आप बहुत अच्छे से यूज करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आप लोगों यहाँ पे जो हम लोग प्रेफरेंसेस देख रहे थे, तो टाइपोग्राफी के जो ऑप्शन है इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट पेज जो है हमारे पास जो आ रही है, फर्स्ट पेज पे आप यहाँ पे जो देखें, हम लोगों के पास जो है आपके पास स्पेस जो है कितनी नजर आ रही होगी, ये जो वर्ड्स के दरमियान में आपको स्पेस नजर आ रही है। अगर यहाँ पे मैं कर देती हूँ, सपोज करें कि यहाँ पे मैं कर देती हूँ 14, ठीक है। अब आप जरा देखिएगा कि जैसे ही मैं इसको ओके करती हूँ, तो जब ओके करूंगी तो आपको हर वर्ड के दरमियान में जो है जो उसके दरमियान स्पेस नजर आ रहा है। स्टूडेंट अगर आप बार बार वहाँ पे उस ऑप्शन पे नहीं जाना चाहते तो आप सिंपली अपने कंप्यूटर से F11 की शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं, आपके पास जो ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे ये देखें सेकंड ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसकी स्पेस मुझे और बढ़ा देती हूँ आपको दिखाने के लिए और सिंपल ओके कर देती हूँ, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इस तरह हमारे पास स्पेस काफी ज्यादा हो गई है एक एक वर्ड के दरमियान। अब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कोई भी लाइन लिखी है और मैं इनके दरमियान में स्पेस देती हूँ, सपोज यहाँ पे भी मैं स्पेस दे देती हूँ और यहाँ पे भी मैं एक एक स्पेस दे देती हूँ। अब मैं कंट्रोल ए करती हूँ और सारे को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब जैसे ही मैं सारे को सिलेक्ट करती हूँ, तो आप अपने कीबोर्ड के साथ जो है वो F11 की शॉर्टकट की प्रेस करें। आप जैसे ही यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे ये देखें सब्सिक्वेंट आपके पास स्पेस विड्थ आ रही है और ये 70% है। अगर इस स्पेस को आपने कम करना है या ज्यादा करना है, मैं यहाँ पे 10 कर देती हूँ, अभी भी स्पेस ज्यादा है। आप ओके कर देते हैं, आप ये देखेंगे कि आपको इनके दरमियान जो स्पेस है वो कम नजर आ रही होगी। मैं यहाँ पे जो है इसकी स्पेस को मजीद और बढ़ा देती हूँ, मैं यहाँ पे 100% कर देती हूँ और 100% करने के बाद ओके कर देती हूँ, तो आप यहाँ पे ये देखेंगे ये स्पेस अब आपको ज्यादा नजर आ रही है। तो स्टूडेंट ये वाली वो स्पेस होती है, अगर आप इसको यूज करना चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं। हम लोग वापस यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है मैं इसको जो है वो कम कर देती हूँ, मैं इसको 10% कर देती हूँ और यहाँ पे जो है वो भी मैं इसको 10% कर देती हूँ। उसके अलावा जो है अगर आप दो लाइंस के दरमियान में स्पेस को कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे 20 प्रेस कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ। तो स्टूडेंट आप भी देख सकते हैं कि जो लाइंस के दरमियान में स्पेस है वो इस तरह से आ रही है। आप लोग कंट्रोल ए प्रेस करें और कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद अगेन हम लोग यहाँ पे इसी ऑप्शन पे वापस जाते हैं। यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया है, तो आप यहाँ पे ये स्पेस जो है वो कम या ज्यादा भी करना चाहें तो आप यहाँ पे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 60 प्रेस करती हूँ, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइंस के दरमियान में स्पेस ज्यादा हो चुकी है। स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन आ रही है, ये हमने लाइन स्पेसिंग के बारे में जो है वो आपसे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे अगर आप रिड्यूस लेटिंग फॉन्ट साइज करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने ये लाइन स्पेसिंग करनी है, लाइन स्पेसिंग में फर्स्ट जो है वो आपके पास आ रही है उर्दू के लिए और जो सेकंड वन आ रही है वो आपके पास आ रही है इंग्लिश के लिए। जो हम यहाँ पे इस पे क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास लाइंस के दरमियान जो स्पेस है ना वो ज्यादा हो चुका है। हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ तो F11 यूज कर रहे हैं, या आप इसी तरह से यहाँ पे इस ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इनकी स्पेस बढ़ाना चाहती हूँ, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं इसकी स्पेस जो है वो बढ़ा सकती हूँ और ओके करूंगी, अब आपको लाइन्स के दरमियान में स्पेस नजर आ रही होगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इंग्लिश में, इनको अगर मैंने जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, अगर मैंने इन लाइंस के दरमियान में अगर स्पेस जो है वो कम या ज्यादा करनी होगी, तो सिंपल मैं इसे सेलेक्ट करूंगी और सेलेक्ट करने के बाद आप वापस उसी ऑप्शन पे चले जाएं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे जाएंगे, तो आप यहाँ पे रिड्यूस लेटिंग फॉन्ट साइज करना चाहते हैं या कम या ज्यादा करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको सिंपली सेलेक्ट करें और जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइंस के दरमियान जो गैप है ना वो भी हमारे पास कम हो जाएगा। आप देखिए टेक्स्ट हमारे पास ऊपर एडजस्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास आती है, आप लोगों के पास जो है यहाँ पे जस्टिफिकेशन के नाम से आ रही है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे स्पेस लेनी है, तो आपने उर्दू के लिए अगर स्पेस बढ़ानी है वर्ड्स के दरमियान में, तो आप यहाँ से इसको बढ़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है वो मैं इसको ज्यादा कर देती हूँ 60। और अगर आपने इंग्लिश के लिए करना है, आपने इंग्लिश लिखा हुआ है, तो आप इंग्लिश के लिए भी इसको कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको ओके कर देती हूँ। अब यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास जो है ना वो इसका वर्ड्स आपको जो है वो ज्यादा बड़े बड़े नजर आ रहे होंगे, लेकिन इंग्लिश के ऊपर उर्दू के ऊपर जो है इस पर कोई इफेक्ट आपको फील नहीं होगा। अब ये जो इंग्लिश होगा ये उर्दू के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आप लोगों के पास जो ये बॉक्सेस वाली ऑप्शन है, इंशाल्लाह जब हम बॉक्स पे काम करेंगे तो फर्दर उसमें आपको मैं ये सारा डिस्कस भी कर दूंगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है और क्योंकि मेरी सारी बातें आज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास आ रही है कर्निंग के नाम से, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो ऑप्शन नीचे जो आ रही है ये आपने अरेबिक के लिए यूज करनी है, और अगर आपने उर्दू के लिए करनी है तो ये वाली ऑप्शन को यूज करना है। आप इसे ओके कर दें, अनचेक कर दें, और अनचेक करने के बाद आप इसे सिलेक्ट कर लें। देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से जो है ऑप्शन को यूज करती हूँ। अब ये देखेंगे जब मैं इसके ऊपर टिक लगाती हूँ, चेक लगाती हूँ, तो आप इसका डिफरेंस जो है वो आप लोगों से देख लीजिएगा कि दरमियान में जो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होती है वो खुद बहुत कर देगा। आप ये देखें जितनी जिसको जहाँ पे स्पेस चाहिए वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से जो है वो
इसको अनचेक कर देती हूँ, ओके कर देती हूँ, तो आप ये देखिए इनके दरमियान जो स्पेसिस है वो बढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट ये हम लोगों का आज का लेक्चर था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन और बात समझ में ना आ रही हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग जो असाइनमेंट्स आप लोगों को दी है वो असाइनमेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, इन सारी ऑप्शन को बहुत अच्छे से यूज करें, क्योंकि यूज करने से ही आपको इनका सही इस्तेमाल का पता चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आगे जो है वो सत्य जारी के तौर पर किसी के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आप समझते हैं कि आपको किसी और टॉपिक के ऊपर भी मजीद हमारी तरफ से कोई वीडियो चाहिए तो आप हमारे साथ वो शेयर कर सकते हैं। अल्लाह नेगेवान।